एनडीए की सरकार थी तो सब शांत बैठे हुए थे, आज महागठबंधन का हो गया सब तो चोरी है ना। महागठबंधन हुआ तो बीजेपी रोड पर रहता है, बीजेपी का सरकार रहा तो महागठबंधन रोड पर रहता है, यही हो रहा है। सरकार को जूता भिंगा के मार रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार को बदनाम पर बदनाम किए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, लोग मर रहे हैं। छपरा में 80 मर गए, आज पटनिया में मर गए, कुछ दिन पहले बलगावा डी पर मरे थे, आपको मैंने कॉल किया था, लेकिन वहाँ के चूतिए जनते ने बात को दबा दिया। तो मालूम होगा थाना प्रभारी के थाना नजदीक बिरौल है, यहाँ पर कोई कंप्लेन गया है जो पटनिया एक ही घर में 3 आदमी मरा हुआ है, अभी मरा है 4 आदमी, 3 आदमी जो 1 महीना के अंदर मरा। बिहार में शराबबंदी का पोल इस गांव से खुलता है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के बिरौल में हूं और बिरौल के ये पटनिया गांव है। हमारे साथ बहुत सारे यहां पर ग्रामीण मौजूद है। अभी कुछ देर पहले जैसे सूचना मिला यहां के प्रशासन को, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आई। जब मनीष चंद चौधरी SDPO मनीष चंद चौधरी बिरौल के तत्पर रहते हैं हर घटना में, लेकिन ये शराबबंदी कानून ऐसा है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको धरातल पर लागू किए, लेकिन उसका उल्लंघन किस तरह होता है वो इस गाँव से है। यहाँ के पत्रकार हैं वो इसी गाँव से हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आज इस गांव में 1-2 नहीं बल्कि 4 लोग की मौत हुई है। बता दें कि आज 1 लोग की मौत हुई है एक ही परिवार में, और एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत हो जाती है शराब पीने से। बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए यहां के प्रशासन जीविका दीदी को भी इस काम में लगा दिए थे, गाँव के मुखिया और सरपंच को भी इसी काम में लगा दिए थे, उसके बावजूद किस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन होता है। बिरौल के पटनिया गाँव में खुलेआम शराब बनता है और शराब बिकता है और लोग शराब पीते हैं। इस वक्त वसंत पंचमी है और सभी लोग उसमें व्यस्त थे, लेकिन अचानक रात में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। वो इसी गांव का रहने वाला है, बगल में घर है, हम उनके परिवार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर ग्रामीण है बात करेंगे। क्या कहेंगे, शराबबंदी कानून आपके गांव में भी फैला? शराबबंदी इतनी है कानून कि छपरा में 80+ लोगों की मौत हो गई। बिरौल में हमने 1 महीना पहले अपने न्यूज पोर्टल पे एक चीज लिखा था जिसमें दर्शाया गया था कि छपरा जैसी घटना बिरौल क्षेत्र में घटने वाली है, तो बहुत से पत्रकार और DSP साहब खुद ने कहा था तुम सठिया गए हो, लेकिन आज वो घटना घट गई। पुलिस बिरौल पुलिस DSP जब मनीष चंद चौधरी क्षेत्र में आए तो लोगों को उम्मीद जागी कि एक ऐसा ऑफिसर आया है, एक ऐसा DSP आया है जो क्षेत्र को बदल कर रख देगा। जब से नए थाना अध्यक्ष आए हैं लगता है DSP साहब थाना के अंदर चले गए हैं, DSP साहब के अंदर थाना नहीं है। हालांकि अगर कार्रवाई होती तो जितने दारू माफिया का हमने नाम दिया था सारा उठकर जेल में चला जाता ताकि ये घटना नहीं होती। आज ये घटना छपरा जैसी घटना है, एक ही घर में जिसके पास 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे हैं, उसका बाप मर जाए, उसके दर्द कितना होगा उसके अंदर, आप सोच सकते हैं। बिरौल क्षेत्र में घटना घट गई 8:55 सुबह से हम कॉल कर रहे हैं DSP साहब को। ये घटना कितनी बजे घटी है? रात में घटी है घटना। अच्छा। रात में घटना घटी है। आज DSP साहब को 8 बजे से कॉल कर रहे हैं, 4 बार कॉल किए DSP साहब नहीं उठाए। 8:55 में DSP साहब कॉल उठाए हैं और अभी तक DSP साहब नहीं पहुंचे हैं। ना थाना तो फोन उठाता नहीं है, आपने भी कुछ दिन पहले लिखा था कि थाना अध्यक्ष फोन नहीं उठाते हैं, हालांकि DSP साहब थाना अध्यक्ष के अंदर है, DSP साहब के अंदर थाना नहीं आता है। थाना अध्यक्ष DSP साहब को नचा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम में आए थे DSP साहब सबकी भूतमुर्गी छोड़ाए हुए थे क्षेत्र में, जितना गुंडा माफिया था इलाका छोड़ दिया था मनीष चंद चौधरी के आने के बाद, लेकिन क्या पढ़ा दिए क्या खिला दिए उनको, आ जाइए हम दिखाते हैं। इस छोटा छोटा बच्चा है और यहाँ के मुखिया हो चाहे कोई भी हो सब करप्शन में डूबे हुए हैं, सब बेच पाते हैं। देखिए एक ही घर में 4 लोग मरे हैं, डेट माफिया को पकड़ लेती है लेकिन आपकी थाना रास्ता में ले जाकर उसको 150, 2000, 4000 लेकर छोड़ देती है। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे के भविष्य का? एक ही घर के 4 लोग मरे हैं। इनका भी? हाँ इनका भी। अच्छा उनका भी। देखिए यहाँ पर एक साथ 4 विधवा महिला बैठी है, 1, 2, 3 और 4 कौन है? ये देखिए ये 4 महिला है, इन चारों के पति मतलब शराब पीने से मौत हुई है। ये चारों विधवा आज यहाँ पर बैठकर विलाप कर रही है और प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नेता जो है और खास करके मुख्यमंत्री को एक खुला तमाचा मार रही है। देखिए 4 महिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जूता मारता है ये पुलिस, ग्रामीण जूता नहीं मारते। अगर पुलिस चाहे ना तो जिला में पत्ता नहीं हिलेगा, अगर SP चाहे तो जिला में दारू घुस जाएगा। बिरौल में मद निषेध के विभाग भी है, उनके अधिकारी है। मद निषेध को मैंने फोन किया, रिकॉर्ड है मेरे पास, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि 3 को तो जला दिए, गरीब लोग घर देख रहे हैं, दाह संस्कार हो गया 3 का, लेकिन 1 का जब पता चला उसके घर में देखिए घर नहीं है, पानी बरसता है, चूता है घर, उनको फोन करे तो कह रहे हैं काहे रखे हुए हैं। अरे भाई उनका भंडा फोड़ हो रहा है, बिरौल थाना का BRLTF की टीम का भंडा फोड़ हो रहा है। देखिए बिरौल एनटीएफ का जो टीम है यानी मद निषेध, उन्होंने कहा कि सबको क्यों रखे हो,
इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। एसपी साहब अवकाश कुमार, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं लगता है एसपी साहब का फोन नहीं लगता है। एसपी साहब, थाना अध्यक्ष जितने हैं ना, सबके सारे पर नाच रहे हैं, उनका फोन नहीं लगता है। सुबह से हम लगा रहे, डीएसपी साहब का फोन लगा और उठाए भी, वो चार बार कॉल करने के बाद पांचवा बार उठाए, अभी तक एक घंटा होने को है। बिरौल की दूरी यहाँ से मात्र 5 से 7 किलोमीटर है। बिल्कुल, मैं 5 मिनट पहुँचाऊँ। 5 मिनट में आप पहुँच गए, लेकिन थाना 5 मिनट में नहीं पहुँच सका। क्या कर रहा है ये बिरौल थाना? नीतीश कुमार को भिंगा भिंगा के जूता मार रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बैठ कर देख रहे हैं और कहेंगे कुछ देर बाद भाषण में कि दारू ना पी के मरा है, मरने दो। अरे भाई, थाना किस लिए आप रखे हैं? दारू तो बंद कर देते हैं कागज पर, लेकिन दारू बंद नहीं होता है। देखिए, जब बिहार में कोई आदमी शराब पीकर उनकी मौत होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मन से ये कह देते हैं कि जहर पिएंगे तो मरेंगे ही ना। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आता है कि जहर पिएंगे तो लोग मरेंगे ही। अरे सब पक्ष विपक्ष साला चूतिया है एक नंबर। जब एनडीए की सरकार थी तो सब शांत बैठे हुए थे, आज महागठबंधन का हो गया सब तो चोरी है ना। महागठबंधन हुआ तो बीजेपी रोड पर रहता है, बीजेपी का सरकार रहा तो महागठबंधन रोड पर रहता है, यही हो रहा है। सरकार को जूता भिंगा के मार रहा है पुलिस प्रशासन, सरकार को बदनाम पर बदनाम किए जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? लोग मर रहे हैं। छपरा में 80 मर गए, आज पटनिया में मर गए, कुछ दिन पहले बलगावाडी पर मरे थे, आपको मैंने कॉल किया था, लेकिन वहाँ के चूतिए जनते ने बात को दबा दिया। तो यहाँ तो हम थे, छपरा ही नहीं पूरे बिहार में शराब पीने से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पोल तब खुलती है जब इनके जैसे पत्रकार आवाज़ उठा देते हैं और प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं पुष्टि होता है कि मौत हुई है। हालांकि अभी भी पुलिस जब यहाँ पहुँचेगी तो मुझे नहीं लगता कि इस मौत को पुष्टि करेंगे कि वो शराब पीकर मौत हुआ उनका। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा हिलने नहीं देंगे। अगर पुलिस आ जाती है यहाँ तो उसको हिलने नहीं देंगे। पोस्टमार्टम होगा, इस गरीब परिवार को कुछ मिलेगा सरकार की ओर से, तभी कुछ होगा, नहीं तो चक्का जाम रहेगा। यहाँ पर एक साथ 4 गो विधवा बैठी है, ये 4 गो विधवा महिलाएं जो यहाँ पर है वो विलाप कर रही है। पुलिस से पूछना चाहते हैं हम, जो आप दारू माफिया को पकड़ते जरूर हैं, लेकिन यहाँ से सिसौनी पुल पर ले जाते छोड़ देते हैं। अगर आपके घर में 4 लोग मर जाए, आपकी बेटी बहन और भी जितने भी घर में महिला होती है सब विधवा हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आएगा ना आपको? आप जो दारू बेचवाते हैं, जितनी पुलिस है सब दारू बेचवाती है, ये खुली छिपी हुई बात नहीं है, खुली शराब माफियाओं से मिली हुई है। सब शराब माफियाओं से मिले, पकड़ लेती है जरूर, लेकिन रास्ते में छूट जाता है, पकड़ती जरूर है रास्ते में छूट जाता है। और नीतीश कुमार तो बिल पास कर देते हैं, शराबबंदी है, लेकिन पुलिस कहाँ पास कर पाती है? पुलिस चाहे तो बिहार ठीक हो जाएगा, पुलिस चाहे तो बिहार डूब जाएगा। बातचीत हुई, क्या कहा डीएसपी साहब ने? कहा हम आ रहे हैं, लेकिन एक घंटा होने को है, वो आए नहीं। थाना से ऑर्डर मिलेगा डीएसपी साहब को? यहाँ उल्टा हो रहा है बिरौल में, पहले डीएसपी साहब ऑर्डर करते थे, अब थाना ऑर्डर करता है, जिस वजह से आज लेट हो रहा है। नहीं तो जैसा मनीष चंद डीएसपी थे वैसा डीएसपी पूरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो गया, दब के रह गए, वो कहाँ का दबाव है उन पर वही बताएंगे। नहीं तो जिस टाइम में आए थे तो कांपता था, यहाँ दहशत होता था, दारू माफिया हो चाहे गुंडा रवैया हो, सब कांपता था उनसे, लेकिन दब के रह गए। आप थाना से ऑर्डर मिला होगा, आप तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे, घूम फिरते हुए चाय पीते हुए आएंगे यहाँ। बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी किसी भी बड़े घटना को 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करने का दावा भी करते हैं और कई मामला को उद्भेदन भी कर चुके हैं, लेकिन आज जो ये मामला हुआ है पटनिया गांव में, ये पूरे समाज को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जितने भी व्यवस्था है और सरकारी प्रशासनिक जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उस खुलेआम उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। देखिए, शराब पीने से कैसे इस व्यक्ति की मौत हो गई, इनके छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, वो बच्चे विलाप कर रहे हैं, ये महिला है, और यहाँ पर एक महिला नहीं है बल्कि 4 महिला है, 4 विधवा है, और एक साथ 4 विधवा जो यहाँ पर रो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक इनके पास सूद लेने तक नहीं पहुँचा है। आश्चर्य की बात है कि इस पंचायत के मुखिया वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मुखिया कहाँ से आएगा? मुखिया तो अभी कहा ना, ग्रामीण क्या कह रहा है ग्रामीण को? मुखिया जी ना, हमारे पटनिया पंचायत के मुखिया अभी फोन किए थे तो क्या बोले? बोला कि आज हम उसको 200-400 रुपया फेंक दिया हूँ, और जो भी मीडिया वाले पत्रकार, हम उनको बोले जी यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पत्रकार सब आया है, वो क्या बोले जो हमारे घर पे भेज दो पत्रकार को, हमारा डीएसपी आईजी जो भी आएगा उसके घर पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो घटना हुआ है, यहाँ पर हमारे गांव के कोई आदमी नहीं एक्शन लिए है और न एक बार आवाज़ उठाए है। 3 आदमी तो पहले मर गया है 1 महीना के अंदर में। हमारे गांव में बहुत ज्ञानी है, बहुत बुजुर्ग है, सब सदस्य कोई भी आवाज़ नहीं उठाए। अभी हम जा रहे थे गाड़ी लेकर टेम्पू चलाने के लिए, तो हमको मालूम पड़ा, तभी हम गाड़ी वहाँ खड़ा करके यहाँ पर आए हैं। आक्रोश में हम सब जनता को बोला हूँ, हमारे गांव के जितना भविष्य है, नवजुवक से लेकर बच्चा तक,
हमारा वो भविष्य है ना, उसके लिए आज हम नहीं खड़ा होंगे कब खड़ा होंगे। हमारा जितना बुजुर्ग लोग है वो मर जाएगा, उसके बाद उसका बच्चा कल से दारू पिएगा। लेकिन हमारा मुखिया के जितना भी है, वार्ड समिति पंच सरपंच जितना, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यहाँ आके 200 रुपया फेंक दिया, गरीब आदमी मर गया, उसको जला देगा, बात खत्म हो गया, समझे। हम अच्छा, सरपंच साहब आए कि नहीं? सरपंच साहब, सरपंच भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आज एक महीना के अंदर में जो मरा है जितना आदमी, कोई नहीं पूछने के लिए आया है। आपको तो मालूम होगा थाना परवारी के थाना नजदीक बिरौल है, यहाँ पर कोई कंप्लेन गया है जो पटनिया एक ही घर में तीन आदमी मरा हुआ है? अभी मरा है चार ही आदमी, तीन आदमी जो एक महीना के अंदर मरा, कोई कंप्लेन नहीं किया ये पटनिया पंचायत के जनता।